मतलब आपके हिसाब से कि बीजेपी देश को बांटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल एकदम बांटने की कोशिश कर रही है, जातिवाद को बांटने में बांट दिया उसने देश को बीजेपी। नमस्कार, स्वागत है आपका द यूपी हेडलाइन में। दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसको चलते हम लोग अब यहाँ पर आ गए हैं लखनऊ के केसरबाग स्थित सिविल कोर्ट में, और हमारे साथ कुछ वकील महोदय हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संजीव पांडे जी, जो मंत्री हैं बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन से। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर, और वो क्या जानते हैं इस चुनाव में अब आगे क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं और हमें और क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नमस्कार सर जी। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी क्या राय है इस चुनाव में, और आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें आगे हमें देखने को मिल सकती हैं? हमारी चुनाव में ये राय है कि पहले तो आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, विदेश का चुनाव नहीं होना चाहिए। लखनऊ को हम स्मार्ट सिटी के रूप में जानते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो लखनऊ हम स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद लखनऊ का जो चौमुखी विकास दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा। वैसे एक चीज़ और है, हर कोई यहाँ पर कई सारी पार्टियाँ हैं, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसका फेवर करते हैं या फिर आप किसका सपोर्ट करते हैं? मैं वकीलों का नेता हूँ, मुझे बार ने चुना है। पहले मैं वकील हूँ, मेरे लिए वकील फर्स्ट, सेकंड मेरे लिए बार पहले है, उसके बाद देश की बात करता हूँ। जहाँ तक वकीलों की बात करता हूँ, आप कचहरी के पास आए होंगे, हम जान से निरंतर जूझ रहे हैं। हम समय समय पर कई सरकारों से इस बात को उठाते आए हैं, आज जाम की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। दूसरा, वकील आप देख रहे हैं किस तरह चैम्बरों में बैठ रहा है, नाले के ऊपर बैठ रहा है। वकील को सम्मान चाहिए, जो अभी तक दिखाई देता नहीं पड़ रहा, ये आक्रोश वकीलों में व्याप्त है। बिल्कुल सही कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं वकीलों को जो सम्मान नहीं मिल, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके चलते सर ने कई सारी कोशिश भी की है, कई सारे काम भी किए। चलिए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं आपको ध्रुव कुमार सिंह के पास, जो उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन के। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमें ये बताइए कि आज चुनाव को लेकर कई सारी पार्टियाँ के अध्यक्ष, उनके जो उम्मीदवार हैं, वो कई सारे हथकंडे अपना रहे हैं जीतने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में जितनी भी पार्टियाँ हैं, किसी भी पार्टी को हम वकीलों से सिर्फ चुनाव के दौरान वो हमसे संपर्क करते हैं, और चुनाव या उनके ऊपर कोई जो मुसीबत आती है, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है या जेल चले जाते हैं, तब तो उनको लगता है कि हम उनकी खोपड़ी के ताज हैं। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर से मुसीबत ख़त्म होती है, वो हमें भूल जाते हैं। उन्हें हमारे न न्यायालय के में कुर्सियों की व्यवस्था है, न साफ़ सफाई की व्यवस्था है, न चैम्बर की व्यवस्था है। मतलब किसी भी पार्टी का, मैं देश की किसी भी पार्टी की बात करता हूँ, किसी भी पार्टी ने जो है हमारे कि हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान देने का प्रयास अब तक नहीं किया है। और जो पार्टी, हम लोग उन सभी पार्टियों का विरोध करना चाहते हैं कि जो पार्टियाँ हमारे बीच हमसे वोट मांगने आ रही हैं। बिल्कुल, जो है, जो काम हो रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। एक मुद्दा और है जो हम पूछना चाहेंगे, जैन जी हैं जो कोषाध्यक्ष है सेंट्रल बार एसोसिएशन के, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आए दिन वादे होते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो वो कर देंगे, उसको लेकर मैनिफेस्टो जारी किया गया है, तो उन सारी चीज़ों पर आपका क्या कहना है? देखिए, इन्होंने जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। क्या अच्छे दिन आए आम जनता के? क्या काला धन वापस आया? और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी थे, क्या वो जेल गए? आप, हम इनको 2014 में हम लोग ने वोट दिया एक राय होके, आज आप उन मुद्दों को भूल गए। आप आज ले आए आप राष्ट्रवाद पे, क्या राष्ट्रवाद का तमगा यही हम लोग को देंगे कि राष्ट्रवादी हम लोग हैं या नहीं हैं? क्या मुसलमानों ने यहाँ पे या सिखों ने अपना योगदान आज़ादी में नहीं दिया? क्या भाजपा का प्रत्याशी या भाजपा का कार्यकर्ता होगा वही राष्ट्रवादी होगा, दूसरी जात का नहीं होगा? हम इनको वोट क्यों दें पहले ये बता दें। और वोट हमने जब 14 में दिया तो आप हमारी अपनी बातों पे खड़े उतरे। प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो नोटबंदी हुई थी उससे कई सारा काला धन वापस आया है, पर वो उसको दिखा रहे हैं इस तरीके से कि हाँ बिल्कुल वापस आया है, और उनका ये भी कहना है कि कई सारी जनता ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इस बारे में आपके कहना है? कहाँ आया? स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में जो काला धन जमा है वो आज तिगुना बड़ा है। अगर काला धन आया है तो वहाँ तो 0% हो जाना चाहिए। ये तो आपके न्यूज़ में सब में आया है, और स्विस बैंक ने खुद कबूला है
कि 2014 में जितना काला हमारे यहाँ पैसा जमा हुआ इससे पहले कभी नहीं जमा हुआ, तो काला धन आया कहाँ? तो जो जनता मान रही है कि काला धन आ गया है, मतलब वो हमारे पास वापस आ गया है, तो उन जनता को आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत पे गांधी जी को चश्मा पहनाया गया, तो एक तरफ जहाँ पे स्वच्छ था वहाँ भारत नहीं था, जहाँ भारत था वहाँ स्वच्छ नहीं था। तो ये गुमराह करने की राजनीति खाली हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े पद पर बैठते हुए भी ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट देते हैं कि 40 विधायक मेरे पास हैं, 40 विधायक आपके पास है, सरकार क्यों नहीं बना लेते हैं? क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है ऐसे स्टेटमेंट देना चुनाव के दौरान? बिल्कुल, जो बात आपने कही है कहीं हद तक उस पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हाँ चीज़ें सुधर सकती हैं। हमारे साथ मोहम्मद आज़म खान जी हैं। सर, हमें ये बताइए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं कई सारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उनको आए दिन उनको लेकर कई सारे जुमले बनाए जाते हैं कि मतलब तो क्या चल रहा है सरकार में कि जुमलों से आप जीतना चाहते हैं? भैया, हम जो है वकील हैं, वकीलों की बात करेंगे। नीरज भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में कचहरी परिसर में आप जहाँ खड़े हैं, बिजली की समस्या पिछले 5 साल से इतनी विकराल हो गई है कि पूरे, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे माननीय जो है प्रधानमंत्री जी शहर ने दिए हैं, और माननीय गृहमंत्री जी इस समय यहाँ के सांसद हैं, और मौजूदा बिजली की हालत आप देख लीजिए, इतनी बड़ी समस्या है बिजली की यहाँ पे कि सारे अधिवक्ता बहुत परेशान हैं बिजली की समस्या से। बल्कि पिछली सरकार भी रही, बिजली की इतनी समस्या नहीं रही, लेकिन इस सरकार में बिजली की समस्या बहुत आकराल हो गई, और आए दिन उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, और इन्होंने जो जिस बातों पर इन्होंने जो सरकार में आए थे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, इनके घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कही गई थी, उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे इन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया। आज पूरा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज जितने बार काउंसिल हैं, आपको आप पता कर लीजिएगा, सभी भारतीय जनता पार्टी के जो गृहमंत्री उनके दरवाजे पर खड़े मिल जाएंगे। क्यों? इतनी दहशत बना रखी है, इतनी समाज में दहशत बना रखी है कि वकील भी अपने आप को असहाय, जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है, वो आज खुद किसी न किसी वजह से, किसी न किसी समस्या में फंसे होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो है समर्थन कर रहा है। लेकिन हम अधिवक्ता, हम जैसे अधिवक्ता जो गरीब दलित पिछड़े शोषित समाजित जो पीड़ित प्रताड़ित सबकी बात करते हैं, मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, और मैं अपने चाचा शिवपाल जी से प्रेरित हूँ, और हमारे चाचा शिवपाल जी ने लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। हम लोग तन मन धन से आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को लड़ाएंगे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे, और आप जनता आपके माध्यम से भी हम ये अपील करेंगे कि 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्ण के पक्ष में आप लोग भी माहौल बनाइए। एक साधु जीतना चाहिए, ऐसा साधु जीतना चाहिए जो परिवारवाद समाज की चिंता न करते हुए केवल अधिवक्ता ही नहीं प्रत्येक नागरिक की बात करे, ऐसे साधु को जिताइए, हमें यही आपसे हमारा निवेदन। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही वो सही है। देवेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ कोषाध्यक्ष हैं लखनऊ बार काउंसिल के। सर, हमें ये बताइए कि अभी हमने जितनी बात की उसमें समझ में आ रही, कहीं ना कहीं आजकल आज के समय में वकीलों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो जो समस्याएं हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, इस बारे में बताइए। उनको खत्म किया जाता है ऐसे कि जो हमारे बीच नेता आते हैं चुनाव के बीच, चुनाव में झूठे वादे करके चले जाते हैं, और माननीय गृह मंत्री जो लखनऊ संसदीय क्षेत्र से फिर पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए थे सेंट्रल बार के, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से कम 4 महीने बीत चुके हैं, एक भी उन्होंने वादे नहीं पूरे किए हैं। तो क्या हम अपेक्षा करेंगे कि ये पुनः जीतेंगे तो हमारी कोई समस्या का निदान करेंगे? इसी तरह के झूठे नेता हमारे बीच आकर के अपना वोट ले जाते हैं और हमें बेवकूफ बना देते हैं। जी हाँ, अगर सारे नेता झूठे हैं तो हम नीरज यादव जी से जानना चाहेंगे जो संयुक्त मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन की है, कि आपके हिसाब से फिर सच्चे नेता कौन? इस समय जो हालात चल रहे हैं भारतवर्ष के, तो इतना झूठा प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है। वो सिर्फ झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है, सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए, कोई एक व्यक्ति मिले आपको पूरे भारतवर्ष में जिसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हुए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप पेपर उठा के देखिए, पिछले हफ्ते एक हफ्ते के अंदर 3 व्यक्तियों की मौत साढ़ के मरने मारने से हुई है।
सरोनी नगर में सांड ने एक व्यक्ति को मार दिया, आदमी मर गया। पीजीआई में सांड ने एक व्यक्ति को मारा, आदमी मर गया। तो अब क्या सांड आदमी को मारेगा? और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भड़कावे की राजनीति करते हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि समाज में विभाजन ना करें। अगर भारत देश की धड़कन हिंदू है तो मुस्लिम यहाँ की सांस है। अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो भारत तरक्की पे पहुँचेगा। अगर यहाँ विभाजन होगा तो भारत गर्द में जाएगा। और दूसरी चीज़, जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं रह सकता, जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा पत्नी अपनी पत्नी छोड़ने वाला नारी सम्मान की बात बताएगा। जो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पा रहा है वो नारी के सम्मान की बात करेगा। जब से भाजपा सरकार आई है प्रदेश में, देश में बलात्कार लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं। और जो ठोको राजनीति चली है कि जहां पाओ जिसको गोली मार दो, अरे पहले देखिए तो कौन क्या है। वो भी किसी का बेटा है, वो सबसे ज़्यादा अपराधी तो आपकी हैं, हमारे बुक्कल नवाब जी। पहले इनकी बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, जब से भाजपा में चले गए तब से राम जी के भक्त हो गई है, इनकी बिल्डिंग खड़ी है। कुछ हुआ इनको? कुछ हुआ? वो पवित्र हो गए। आज की डेट में जिसको भाजपा चाहेगी वो देशभक्त है, वो भाजपा जिसको चाहेगी वो देशद्रोही है। वो मैं ये कहने से कतई नहीं डरता हूँ, ना जेल जाने से डरता हूँ कि चौकीदार चोर है। जब 2014 में आए तो बताया मैं चाय वाला हूँ, अब बता रहे मैं चौकीदार हूँ, इसके बाद क्या बताएंगे? हमारे साथ अंदर आर्मी जी हैं। सर हमें ये बताइए कि आज के समय में सारी पार्टियों को लेकर एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसने ये बुरा किया, उसने ये बुरा किया, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें ये सारी कमियां हैं, जिसको लेकर अभी कई सारी बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस बारे में आपके क्या कहेंगे? कंट्रोवर्सी तो ये भाजपा के द्वारा पैदा की गई है, सारी कंट्रोवर्सी जो भी पार्टियों के खिलाफ है, और पार्टियां सब एक है, देश हित में काम कर रही है, बल्कि देश विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल से करती चली आ रही है। न कर्मचारियों का हित देख रही है, न जनता का हित देख रही है, सिर्फ राष्ट्रवाद पर जो है वो चुनाव लड़ रही है इस समय। अगर 5 साल में उन्होंने कुछ किया है तो सामने जाकर बताया कि हमने ये काम किया है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद चल रहा है इस देश में, और बड़े बड़े जो घराने हैं उनको हर तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। सारे जितने पैसा लेकर भागने वाले हैं सब इनसे पूछ कर गए, सब कुछ कर गए। और राफेल का इतना बड़ा घोटाला इन्होंने खुलेआम किया है कि फाइल दिखाने में क्या जाता है भाई, एक जेपीसी तो बैठाने की बात हो रही है। अगर लोग कह रहे हैं कि आपने चोरी की है तो आप एक ईमानदार हैं, आप एक जेपीसी बैठा दीजिए, यही तो मांग है। और कोई भी सौदा हो रहा है, इतना है उसका पोस्टमार्टम हो गया राफेल सौदे का, उसके बाद भी आपको फाइल देने में दिक्कत हो रही है कि हम राष्ट्र का सुरक्षा का मामला है, उसके बाद भी आप फाइल नहीं दे रहे हैं, किस बात का राष्ट्र सुरक्षा का मामला? सारी बातें तो सामने पर आ चुकी है, उसके बाद आपके रक्षा मंत्रालय से इतनी सुरक्षित फाइल जो चोरी हो जाती है। मतलब आपके हिसाब से कि बीजेपी देश को बांटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, एकदम बांटने की कोशिश कर रही है। जातिवाद को बांटने में बांट दिया उसने देश को बीजेपी ने, और ये कई हिस्सों में बांटने के मूड में इनका विचार चल रहा है। मतलब आपके हिसाब से हमें एक बार फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था वो फिर से देखने को मिल सकता है? नहीं, डिवीजन तो होने नहीं देंगे हम लोग। हम लोग जो है फर्जी राष्ट्रवादी नहीं है, ना फर्जी राष्ट्रभक्त है हम लोग, ऐसा उनके इनको होने नहीं देंगे। इनका जो मंसूबा वो कतई कामयाब नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। जी हाँ सर ने बिल्कुल सही कहा कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो हम उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करने देंगे, जो भी चीजें होंगी सही होंगी और उसका सहयोग करेंगे, पूरी वकील प्रेस मीडिया सब लोग मिलके हम अपने देश को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये थी जगदीश कुमार की रिपोर्ट द यूपी हेडलाइन के लिए, कैमरा पर्सन जिशान के साथ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।